कोशिश करती हूँ ये एक हफ़्ता कोई भी काम ना लूँ, बट अनफॉर्चुनेटली कल मैं नहीं रह पाई ओपनिंग के लिए। गेटवे में हुआ इस बार, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इंस्टाग्राम में मैं देख रही थी, पर मैं श्रीलंका में बैठी हुई थी। आज सुबह आई मैं और आते ही यहाँ आ गई। तो या आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई हैव टू शॉर्ट फिल्म्स दिस ईयर, पार्ट ऑफ एक्चुअली लार्ज शॉर्ट फिल्म्स, एंड वन इज़ कॉल्ड शेम जिसका अभी स्क्रीनिंग हो रहा है, और दूसरी है तू which is in competition, which is on 30th or 31st. So yeah, and this is, it's literally like meeting so many friends, you know, people you know, old colleagues. So it's really fabulous. You don't know what to do with that mic. Yeah, so it's literally like, मैं आपसे बात कर रही हूँ और तीन चार लोग, मतलब जिनको जानती हूँ मैं, जिनसे बहुत सालों से नहीं मिली हूँ। Right now I met an old teacher of mine, professor from Film Institute. So yeah, and I met a junior who I haven't met for like 5-6 years. So it's quite incredible, this space, and it's like bustling with cinema lovers and so much energy. It's amazing. क्या कुछ प्लेटफॉर्म मानती है आप न्यूकमर्स के लिए, माने जैसे जो भी हीरोज होते हैं, देखा जाए कितना कुछ प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि काफ़ी बड़े एक्टर्स या फिर डायरेक्टर्स देखते हैं आके फिल्में, उनकी छोटी छोटी फिल्में होती, छोटी बड़ी फिल्में होती, और उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये बोल सकते हैं। हाँ, वैसे बोल सकते हैं। आई जस्ट फील दैट, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक गुड सिनेमा अवेलेबल टू नॉर्मल पीपल, यू नो, नॉर्मल पब्लिक, क्योंकि हमेशा हम जैसे मैं, यू नो, फॉर्चुनेटली मैं फिल्म स्कूल गई थी, तो वहाँ पे हम रोज़ के दो फिल्म्स देखते थे जो वर्ल्ड सिनेमा होता था, और हर तरीके के फिल्म्स, रीजनल सिनेमा, ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म्स, एंड दैट इज़ रियली, इट्स अ वेरी फॉर्चुनेट प्लेस टू बी इन। बॉम्बे में आके हम बहुत मिस करते हैं, क्योंकि हम वही फिल्में देख सकते हैं जो थिएटर में रिलीज़ होती है, नहीं तो वो टॉरेंट पे डाउनलोड करके, नहीं तो अभी नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन पे, तो यू नो, यू डोंट, बट फॉर विद अ फिल्म फेस्टिवल लाइक दिस, यू कैन एक्चुअली लेजिट वॉच सिक्स, इवन लाइक आई वॉच 5-6 फिल्म्स एवरी डे, यू नो, एंड इट्स लाइक ये एक्चुअली फेस्टिवल है, बिकॉज यू आर सेलिब्रेटिंग सिनेमा, एंड मामी हैज़ एन इनक्रेडिबल लाइनअप एवरी ईयर। इनका प्रोग्रामिंग टीम जो है, हेडेड बाय स्मृति किरण, बहुत, मतलब बहुत उम्दा सिलेक्शन होता है इनका, एंड यू नो, सम ऑफ अस गेट टू फॉर्चुनेटली ट्रैवल टू अदर फिल्म फेस्टिवल्स, जो बाहर के, बाहर जो काम हो रहा है, दुनिया के अलग अलग छोटे से छोटे देश में इतनी खूबसूरत फिल्में बनती हैं, इतनी अलग अलग एक्सप्रेशन, फॉर्म, कॉन्टेंट, स्टोरीज इतनी अलग अलग होती है, बट यू नो, पीपल हु लिव इन बॉम्बे फॉर एग्जाम्पल, लॉट ऑफ पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू, यू नो, दीज काइंड ऑफ फिल्म्स। सो फेस्टिवल लाइक मामी, विच इज़ एक्चुअली ओपन एंड मेक्स इट एक्चुअली वेरी इजी फॉर जनरल पब्लिक टू वॉच गुड फिल्म्स, आई थिंक दैट इज इनक्रेडिबल। उतना नहीं ईजी है, इतना ईजी नहीं है, और फेमस, आई डोंट थिंक इट हैज़ एनी थिंग टू डू विथ फेम, एक्चुअली इट हैज़ नथिंग टू विथ फेम, एंड इट शुड नॉट बी अबाउट फेम, यू शुड जस्ट बी मेकिंग वॉट यू वॉन्ट टू मेक, एंड फिल्में बनाना बहुत बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है फिल्में बनाना, और बहुत लोग बना लेते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता है, रिलीज़ करने को नहीं मिलता है, तो वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है इन प्लेसेस लाइक दिस, इन फेस्टिवल्स लाइक दिस, जो वन विच इज़ अ रिस्पेक्टेबल फेस्टिवल, बहुत लोग आते हैं, सब लोग आते हैं देखने के लिए, सो यू नो, दिस एक्चुअली ओपन्स अप डोर्स फॉर न्यूअर पीपल, न्यूअर डिस्ट्रीब्यूशन एवेन्यू, सो दैट रियली इज़ हेल्पफुल, बट
फेम तो इतना आसान नहीं है, और फेम की तरफ फेम के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, अगर होना होगा हो जाएगा, वो तो काम करते रहो प्लीज़। पूरी तरह से सपोर्ट करते, ये तो बहुत सालों पहले हो जाना चाहिए था। आई फील यू नो फॉर जेनरेशन्स आवर मदर्स आवर ग्रैंड मदर्स वी हैव ऑल फेस्ड इट, इट्स बीन हैपनिंग, इट्स एक्चुअली ट्रॉमैटिक टू नो दैट दिस वॉज हैपनिंग टू दिस एक्सटेंट ऑल अराउंड अस, पीपल वी नो, पीपल वी आर फ्रेंड्स विद और अक्वेंटेंसेस ऑल अराउंड अस, एंड नोबडी एक्चुअली स्पोक अबाउट इट, एंड इट टुक वन, यू नो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डोमिनो इफेक्ट, लाइक इट टुक वन ब्रीज, एंड आई एम ऑनेस्टली सो ग्रेटफुल टू तनुश्री टू जस्ट स्टार्ट द डायलॉग, एंड टक 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 टक, यू नो इट्स लाइक एक ने बोला तो और सब पूरा कोलैप्स हो गया, कोलैप्स, एंड नॉट ओनली इंडस्ट्री, इट्स एवरीवेयर, द कॉर्पोरेट सेक्टर इज टेरेबल, द मेडिकल सेक्टर इज टेरेबल, एवरीवेयर, यू नो मिनिस्टर बैठ के अभी, आई मीन व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, एवरी पीपल, एंड इट्स नॉट ओनली, आई हैव टू से दिस, इट्स नॉट ओनली मेन, इट्स ऑल्सो वेमेन पीपल, एंड इट्स मोस्टली मेन बिकॉज मोस्टली इट इज द पेट्रियार्कल सेटअप ऑफ स्टेटस को, बट आई एक्चुअली थिंक दैट it is anybody who is in a position of power, who is in the right side of status quo, is trying to exploit people who are not. And I feel it should have stopped long back, but it really is time's up. It cannot be taken anymore, and there will be collateral damage. And I know that Mami has cancelled out a few films that had any, you know, sort of connection with people who are associated or have been, people who are offenders. And, a lot of people are upset about it, and I've read stuff, and, you know, we are also talking about it. But I honestly feel that we have to take it on ourselves. There will be damage, there will be collateral damage, but you know what? It is for a safer future. It is for the basic dignity that man, woman, a child deserve as basic human beings. It's a fundamental right. So, you know, just give people the dignity they deserve. पता है मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ, भगवान ने सच में बहुत बहुत रक्षा किया, और मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी आई कम फ्रॉम अ एकेडमिक बैकग्राउंड, मेरे फैमिली में कोई मतलब हैज़ नथिंग टू डू विथ फिल्म, सो ऑब्वियसली माई मदर वॉज वेरी वेरी पेट्रीफाइड, बहुत ही दुखी थी वो एक्चुअली कि मैं फिल्म स्कूल गई, बट आई एक्चुअली वेंट टू अ फिल्म स्कूल, सो व्हेन आई केम टू बॉम्बे आई ऑलरेडी हैड अ कुशन ऑफ ट्रेनिंग, आई ऑलरेडी न्यू पीपल इन बॉम्बे, यू नो आई ऑलरेडी न्यू सीनियर्स हु वर लाइक आई मेट नसीर राइट नाउ हु इज बीन माई टीचर, हु इज बीन अ सीनियर, सो एनी डाउट जस्ट गो एंड दीज पीपल आर हैव द डोर्स ओपन टू यू, एनी डाउट एनी कन्फ्यूजन दे आर हैप्पी टू हेल्प यू, बट हैविंग सेड दैट आई हैवंट, यू नो, एंड आई थिंक आई एम इनक्रेडिबली लकी, एंड I'm part of that very tiny, very tiny, tiny margin of women who have not been violated. I also am somebody who doesn't take it. So if I think your gaze is wrong, I will say it. And it has happened with a director in question very early, actually, before actually Margarita even released that. He had just put his hand around my shoulder and I had told him off. In the first meeting, because I don't take that, you know, I'm brought up like that. I was brought up by extremely independent women, by a single mother who took care of herself, and I saw her carrying herself with that much, you know, wo khud ko jo ek hota hai na, wo bahut zaruri hai, and unfortunately everyone's like trying to just get at you, and it's unfortunate because a lot of young girls and boys come to the city often very desperate for work. जब बोलते ना बोल रहे थे ना वो फेमस हो जाएंगे, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्यों फेमस होना है, कैसे फेमस होते, काम करो ना, काम पे ध्यान दो, मेहनत करो, जो सही तरीका है काम करने का वो करो, सॉरी, और मतलब अगर आपको लगता है कि आपको कोई एक फिल्म दे देगा क्योंकि आप उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, या यू नो यू विल गो इनटू अ रूम विद दैट पर्सन, इट इज़ एक्चुअली यू आर डिमीनिंग योरसेल्फ एंड योर टैलेंट, एंड you shouldn't, and I feel angry at boys and girls who think it's so easy to get it. It's not easy, and you should not put yourself in that place, because that also has
a larger implication when people start expecting it out of people who don't, who are not okay to give it. You know, so you, it's not only about you. You are representing the entire community. And I think it's time that women should be, you know, standing by each other. And it's all about sisterhood. It's all about, and you know, honestly, like, I think feminism is a very, very violated term in itself, because everyone has very different things of, you know, about feminism and ideas. But actually, feminism is all about protecting the weaker, be it about a woman, man, a Dalit, a marginalized, a Muslim. It doesn't matter. It is about, it's actually about protecting somebody who's weaker than you. That's why whatever has started, I'm just so happy and glad. Wo jab section 377 gaya to usse uske baad se sab aur ye hua to acha hi ho raha hai. Ha, par kuch plan nahi yaar, kuch plan nahi hai. Ghar jaungi shayad, ek saal ho gaya ghar jaye hue, to main I'll go see my mother for Diwali. A very happy Diwali. Please, please, please do not burn firecrackers. It is, it's really poisonous, the air we are breathing in. And we have gone far beyond the safe air levels. And it's actually very lethal. So please, I mean, firecrackers can't be more important than the oxygen you breathe. So please don't burn firecrackers, burn diyas. And have a safe Diwali and have a sound free and cracker free Diwali. Thank you. It's always a pleasure to be at Mami, and I love being here. And this year, after a long time, I've acted in two movies, so I'm very excited. One of them is having its premiere now. मैं तो छोटी सी रोल्स हूँ उसमें, एक एक फिल्म शेम है और एक फिल्म कड़क है, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. तो शेम इज़ डायरेक्टेड बाय अनुषा बोस. इट्स अ शॉर्ट फिल्म, इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट. आई डोंट वांट टू टेल यू गाइस टू मच, यू मस्ट वॉच इट. बट माय रोल इज अ सरप्राइज एट द, आई वोंट टेल यू, बट इट्स नियर द एंड. And Kadak is not going to be here at Mami. It was going to be, but that's also a really, really lovely film. So I hope you guys like them. ये तो एक बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत सारे नए फिल्म मेकर्स को प्लेटफॉर्म मिल रहा है दिखाने के लिए. एंड आई थिंक दैट इज़ फैंटास्टिक, बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट डिस्ट्रीब्यूशन. आई ऑलवेज कोट माई हस्बैंड हु कोट्स अ फेमस एडवर्टाइजिंग एंड कॉन्टेंट कोट, दैट कॉन्टेंट इज किंग, डिस्ट्रीब्यूशन इज गॉड. सो यू माइट हैव अ ग्रेट फिल्म, बट टू हैव अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड अ प्लेटफॉर्म लाइक मामी हेल्प्स यू टू गेट दैट. एक्चुअली मैं तो काफ़ी बिजी हूँ मेरे दो बच्चे और मेरा शो के साथ और अभी फिल्मों के साथ, सो मैं बहुत एक्साइटेड. थैंक यू, थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन आइज 24 न्यूज. प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस, क्लिक ऑन द लाइक बटन, मस्ट डू शेयर द लिंक. थैंक यू.